Bismillah Rahman Rahim. Secondary biology chapter number 16 में sports and movement के अंदर आज हम significance of secondary growth के बारे में पढ़ेंगे, plants के बारे में नहीं है, plants में होती है, ठीक है। so इसको समझने से पहले कुछ आपको growth का idea होने, growth in plants का थोड़ा बहुत idea होना चाहिए। so plants में growth किस तरह होती है? सो अगर आपको याद हो, ठीक है, जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, प्लांट के दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक परमानेंट टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज, जबकि एक मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टमैटिक, ऐसे एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी कहा जाता है, मेरिस्टमैटिक और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से जो एम्ब्रियोनिक या मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं, दे कैन डिवाइड, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये होता है, दे कैन डिवाइड, ये कैन नॉट डिवाइड, सही। यानी ग्रोथ इन प्लांट्स में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब प्लांट्स में दो किस्म के टिश्यूज हैं, एक परमानेंट टिश्यूज हैं जो कि डिवाइड नहीं होते, सही, और दूसरे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हैं जो कि डिवाइड होते हैं, या इसे एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी कहा जाता है, सही, ये डिवाइड हो सकते हैं। सो ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हैं ये ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होंगे, सही। और रही बात इनकी लोकेशंस की, सो जो मेरिस्टमैटिक या एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स में दो जगह पे लाई करते हैं, एक तो एपिक्स पे, रूट एपिक्स और शूट एपिक्स, यानी यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, यानी सारे जितने भी कह लें कि जो आखिरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, नीचे से रूट्स के आखिरी पॉइंट्स कह लें और जो ऊपर शूट से आखिरी पॉइंट्स होंगे, ये सब एपिकल मेरिस्टम में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने लेंथ के अंदर इजाफा करना था, दे हैव टू इंक्रीज इन लेंथ, दे मसलन यहाँ पे क्या करेंगे, ये से ऊपर की तरफ बढ़ाएगा और ये रूट्स को नीचे की तरफ बढ़ाएगा, सही। सो ये सारे क्या कहलाएंगे? एपिकल मेरिस्टम, जो कि रूट टिप्स और शूट टिप्स पे होंगे। जो शूट टिप्स के ऊपर होंगे उसे हम शूट एपिकल मेरिस्टम कह देंगे, जो रूट टिप्स पे होंगे उसे हम रूट एपिकल मेरिस्टम कह देंगे, सही। और मेरिस्टम की एक तह जो सी है, कह लेंगे जो स्टेम है, इसके अंदर एक सर्कुलर सी तह बनी होती है, ठीक है, एक सर्कुलर सी तह, इसे लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, सही। क्या कहते हैं इसे? लेटरल मेरिस्टम। इसने क्या करना होता है कि ये इसके डायमीटर के अंदर इजाफा करता है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है उसको ज्यादा करेगा, सही। अच्छा, जो लेंथ के अंदर इजाफा होता है ये एपिकल मेरिस्टम कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, इट इज नोन एज, सॉरी, प्राइमरी ग्रोथ। जबकि जो इस कह लेंगे प्लांट की चौड़ाई में इजाफा करेगा, सही, जो इसके डायमीटर के अंदर इजाफा करेगा, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कह देंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों करेंगे कौन से? जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हैं उसी से मेरिस्टम निकले हैं, सही, जो मेरिस्टमैटिक या फिर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, यही इसकी कह लेंगे लेंथ में और इसकी डायमीटर के अंदर इजाफा करेंगे। जो जो प्लांट बड़ा होता जाता है इसकी कह लेंगे चौड़ाई भी ज्यादा होती है, लंबाई भी ज्यादा होती है, लंबाई प्राइमरी ग्रोथ के जरिए ज्यादा होती है और चौड़ाई सेकेंडरी ग्रोथ के जरिए, ठीक है। अब जो लेटरल मेरिस्टम है ना, इसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम को दो में डिवाइड करेंगे, एक इसमें होता है वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम टिश्यूज भी कहलाते हैं, और दूसरा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, सही, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम को। तो बेसिकली ये वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मिलके सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ये सेल डिवाइड होंगे बाहर की तरफ। इसमें भी देखें तो दो लेयर्स हैं आपको, ठीक है, एक दो लेयर्स नजर आ रही है, एक वैस्कुलर कैम्बियम के नाम से जाना जाता है, एक कॉर्क कैम्बियम के नाम से। इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है, मसलन ये नीचे आपको नजर आ रहा है, सही। सो ये एक कह लेंगे इन्होंने सारा आपको नजर आ रहा है कि एक स्टेम है, उसका क्रॉस सेक्शनल एक कह लें क्रॉस सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन के अंदर उसके अंदर बाहर की लेयर आपको नजर आ रही है, फिर अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है, और फिर बीच में पिथ है नॉर्मल, ठीक है, जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है। सो जो जाइलम है वो अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ, ये आप देख सकते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो सा है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान वैस्कुलर कैम्बियम मौजूद है,
ठीक है। अब इसमें कार कैम्बियम मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी इसके अंदर कार कैम्बियम आपको नजर नहीं आ रही। होता है क्या है कि फिर जो जाइलम है ये अंदर की तरफ डिवाइड होता है, ठीक है। दे डिवाइड इन, इनकी ग्रोथ इनवर्ड होती है, और फ्लोएम जो है वो आउटवर्ड ग्रो करेगा, ठीक है। फ्लोएम की ग्रोथ आउटवर्ड, जाइलम की ग्रोथ इनवर्ड होगी, सही। सो इन नेक्स्ट फेज ए के अंदर आप देख सकते हैं कि जो जाइलम है ये एक अपनी अलग से एक और लेयर बना चुका है, और फ्लोएम की भी एक और लेयर बन गई है, सही। सो जो नई लेयर बनेगी उसे हम सेकेंडरी कह देंगे। पहले वाला प्राइमरी था, दूसरा जो नया जाइलम की लेयर बनी उसे सेकेंडरी जाइलम कह देंगे, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान ये वैस्कुलर कैम्बियम है। सो बेसिकली ये वैस्कुलर कैम्बियम ही नया सेल डिवाइड करके बनाता है, नई लेयर बनाता है, सही। सो इन ये वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होगा, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाएगा, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, जबकि बाहर की तरफ जो सा ये कॉर्टेक्स की एक और लेयर बनेगी, ठीक है। कॉर्टेक्स एक और अपनी लेयर बाहर की तरफ बनाएगा, और जब ये नई लेयर बनाएगा तो इसके दरमियान एक और लेयर बनेगी जिसे हम कार कैम्बियम कह देंगे, ठीक है। सो ये कार कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की शक्ल में होगा, वैस्कुलर कैम्बियम भी और कार कैम्बियम भी। सो वैस्कुलर कैम्बियम क्या कर रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, जबकि कार कैम्बियम ने आगे कह लें कि जो कॉर्टेक्स का रीजन है उसको बढ़ाया। सो इन दोनों के सेल डिवीजन की वजह से क्या हुआ कि इसके डायमीटर में इजाफा हुआ, ठीक है। इसके डायमीटर में इजाफा हुआ, और ये सारी डिवीजन जो सी है जिसके अंदर अब कह लें कि एक रिंग बनेगा, इसे हम कहते हैं 1 ईयर। 1 ईयर ड्यूरेशन के अंदर होता है, इसे एनुअल रिंग कहेंगे, जो भी रिंग बनेगा इसे, सही। इस तरह नेक्स्ट फेज आएगा, मतलब दोबारा सेल डिवीजन होगी तो क्या होगा कि जो वैस्कुलर कैम्बियम में ये एक और लेयर बना देगा। मतलब ये आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, और ये तीसरी लेयर अभी बनाई गई है, सही। सो ये सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा। इस तरह फ्लोएम की 3 लेयर्स बन जाएंगी, और इस तरह जो कार कैम्बियम में ये बाहर एक और लेयर बना देगा, सही। सो ये भी एक सेकेंडरी ग्रोथ है। अभी जो सा ये दूसरा साल में होगा, नहीं ये भी अगेन 1 ईयर लगेगा इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह प्लांट के स्टेम के अंदर रिंग्स पे रिंग्स बनते जाएंगे, ठीक है। सर्कल्स पे सर्कल अंदर आते रहेंगे, और सारे सर्कल्स बनने के अंदर 1 साल लगता है, ठीक है। इस वजह से एनुअल रिंग भी कहते हैं। सो होता है क्या है, जब ये वुड डिवाइड होती रहती है, यानी कह लेंगे प्लांट के डायमीटर के अंदर इजाफा होता रहता है, सो इस तरह के रिंग्स अपियर होते हैं, ठीक है। अगर आप दरख्त को काटें ना कभी अंदर से, तो आपको इस तरह के रिंग्स नजर आएंगे। मसलन इसके अंदर अगर हम काउंट करें कितने रिंग्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो ये 7 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो इन रिंग्स को काउंट करके आप प्लांट की एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा देखें जो 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 ये सेल डिवाइड हुए, तो सेंट्रल रीजन जो ये डार्क होता गया, ठीक है। सेंट्रल रीजन डार्क होता गया, इस डार्क वाले रीजन को हम, सॉरी, इसको हम हार्टवुड कहते हैं। इट इज हार्ट, बल्कि लिखा हुआ है नीचे, मैं वैसे लिख रहा हूँ। सो इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवुड, सही। और हार्डवुड ऑलमोस्ट नकारा हो चुकी होती है, ठीक है। ये वाटर कंडक्ट नहीं कर सकती, ना इसमें फूड, तो इसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जा कर देते हैं, ठीक है जी। वेस्ट मटेरियल इसमें स्टोर हो जाता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाएगा, या फिर कोई रेजन्स वगैरह, इस तरह की सिक्रीशन जो प्लांट प्रोड्यूस करता है वो इसमें स्टोर हो जाएंगे। अलबत्ता ये एक्टिव नहीं रहेंगी, स्टोरिंग के अंदर यूज होंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर स्टोर होता जाएगा, सही। इसमें रेजन, नहीं, बहुत से प्लांट्स रेजन वगैरह इसमें भी इसमें स्टोर करते हैं, और बहुत से इसके अंदर वेस्ट मटेरियल डालते रहते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, यानी ये अब वाटर कंडक्शन नहीं कर सकते। जबकि इसके मुख्तलिफ या इसके इख्तलाफ पर जो बाहर की लेयर्स होती हैं, ठीक है, बाहर की लेयर्स नई बनी होती हैं, क्योंकि स्कैनिक ग्रोथ की वजह से नई लेयर्स आई होती है, सो ये बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकती हैं, ठीक है। यानी इसमें से वाटर और फूड मटेरियल ज्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट होता है, ये कंडक्ट कर सकती है, इसे सैपवुड कहा जाता है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट वाटर एंड फूड मटेरियल, सही। सो दे आर एक्टिव, ये एक्टिव काम कर रही होती हैं, सही। और जबकि जो सेंट्रल वुड थी वो डेड थी ऑलमोस्ट, दे आर जस्ट फॉर स्टोरिंग, इसमें सिर्फ स्टोर होता था, सही। सो इसके अलावा एक चीज, कैलस का शायद आपने नाम सुना हो कहीं पे, चले आपको पता है आपके जिस्म पर चोट लगती है तो जख्म भर जाता है, सही। यानी आपका वाउंड होता है ना, वाउंड जिसे आप जख्म कहते हैं, जख्म जब होता है सो उसके ऊपर कह लें कि जी एक लेयर सी आ जाती है, ठीक है।
कह लें कि जख्म भर जाता है, जख्म का भरना या वाउंड को हम कहते हैं हील हो जाता है। हीलिंग के दौरान क्या होता है कि उसके ऊपर एक लेयर सी काली सी आ जाती है। यानी इसी तरह प्लांट्स में भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। प्लांट्स में जब कहीं से काटे जाते हैं ना, मसलन यहाँ से इसकी ब्रांचेस काटी गई हैं, सही। ये जो एरिया था पहले कटा हुआ था, फिर इसको कवर किया गया है, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा से आप देखें तो लेयर आ गई है। इसको हम कैलस कहते हैं, इट इज नोन एज कैलस। कैलस फॉर्मेशन भी होती है, ये भी ऑलमोस्ट इसी लेटरल मेरिस्टम का ही काम होता है कि ये सेल डिवाइड करते हैं और जो जो कह लें कि ओपन एरियाज होते हैं जो कि कटिंग की वजह से आते हैं, उसको ये रीयूनाइट करते हैं या उसको कवर करते हैं। सिमिलरली आपने ग्राफ्टिंग का नाम सुना होगा कि दो स्टेम्स हैं उन्हें तोड़कर आपस में लगा दिया जाता है, ठीक है। ये अक्सर टेक्निक भी यूज होती है, ठीक है, बहुत से एरियाज में या बहुत से फील्ड के अंदर। इसे क्या कहते थे भला, हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। यानी ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन में बात क्या होता है कि हम एक की स्टेम काट के दूसरे पे लगा देते हैं। मसलन अगर एक का फल मीठा है ना, तो हम उसकी स्टेम काटेंगे और जिसका फल बड़ा है उसके अंदर लगा देंगे, सो मीठा भी फल आएगा और बड़ा भी। तो वहां पे भी जो यानी ग्राफ्टिंग के दौरान जो सेल्स सॉरी दो स्टेम्स के दरमियान, दो शाखों के दरमियान जो जोड़ पैदा करते हैं, वो भी यही कैलस फॉर्मेशन होती है, और इसमें भी मेरिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा कैलस में जो ज्यादातर पोर्शन होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यूज का होता है, ठीक है। मोस्टली दे हैव पैरेन्काइमा टिश्यूज, ठीक है, जो एक किस्म की वाउंड हीलिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर वाउंड हीलिंग होती है, इस तरह ये जब कोई कट लगता है या फिर ब्लड निकलती है या फिर हम इसमें क्या कहा था भला, हाँ, ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग के बाद जो आपस में ब्रांचेस यूनाइट होंगे उसके अंदर कैलस फॉर्मेशन का रोल होगा, सही। इसके अलावा जो वुड होती है, अब ये वुडी प्लांट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर एनुअल रिंग्स दिखाए गए हैं ना, सही। मसलन ये जो आपको एनुअल रिंग नजर आ रहे हैं, इसमें ये सारी वुड कहलाती है, ठीक है, लकड़ी होती है। हर कह रहे हैं कि जी दरख्त की या हर किस्म के दरख्त की अपने किस्म की लकड़ी होती है, सही। कुछ फर्नीचर के लिए यूज होगा, कुछ उसे हम कागज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उनके जो यूजेस होते हैं वो उनके कह लें कि जी नेचर के पर डिपेंड करते हैं कि वो कितनी स्ट्रेंथफुल हैं, ठीक है, कंप्रेशन बर्दाश्त करती हैं कि नहीं करती, फ्लेक्सिबल है, हार्ड है, उनकी डेंसिटी कितनी है, सही, या फिर शॉक रेजिस्टेंस है कि नहीं है उसके अंदर। उसके ऊपर सारे इनका कमर्शियल कहने के यूज डिपेंड करता है, सही। कमर्शियल यूज उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आया जो वुड है वो किस किस्म की है, सही है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, तो हम इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मसलन हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था, हमने लिया था स्टार्ट सिंपल सिग्निफिकेंस स्कैटरिंग ग्रोथ। तो वहां पे हमने कहा जी के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ग्रोथ का आइडिया होना चाहिए। जो ग्रोथ है उसका लिंक होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के साथ जो कि डिवाइड हो सकते हैं, ठीक। और ये मेरिस्टमैटिक टिश्यूज रूट के एपिक्स पे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये रूट के एपिक्स पे, या फिर शूट के एपिक्स पे होते हैं जो कि इसकी लेंथ के इजाफा कर। इसके अलावा ब्रांचेस के अंदर ये लेटरल मेरिस्टम की शक्ल में इनका रिंग मौजूद होता है एक, और इसमें दो चीजें आती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम आता है और कार कैम्बियम, और यही चीज इसकी स्कैनिक ग्रोथ में हेल्प करती है। और फिर हमने एग्जाम्पल देखी कि किस तरह स्कैनिक ग्रोथ होती है, लाइक ये आपको वेस्कुलर कैम्बियम नजर आ रहा है, ये स्कैनरी फ्लोइम और स्कैनरी जाइलम, ठीक है। स्कैनरी फ्लोइम बाहर की तरफ बनाता है, स्कैनरी जाइलम अंदर की तरफ बनाएगा, सही। और फिर कार कैम्बियम में जो कि नए कह लेंगे जो कॉर्टेक्स है वो बाहर की तरफ बनाएगा, ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स है इस तरह के लिए एक बाहर की तरफ बनाएगा, सही। इस तरह ये दोबारा डिवीजन हो रही है, सही, के अंदर स्कैनरी जाइलम बना है और बाहर स्कैनरी फ्लोइम, और कॉर्टेक्स का रीजन भी ज्यादा होता जा रहा है, तो बीच में रिंग्स प्रोड्यूस होते जाते हैं, ठीक है, इसे हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस होने में एक साल लगता है, ठीक है, तो इस वजह से इसे हम एनुअल रिंग्स कहेंगे। अब मसलन इसके अंदर हम एनुअल रिंग्स काउंट करें तो 7 एनुअल रिंग्स है, तो ये 7 ईयर ओल्ड प्लांट है जिसको कट किया गया है, सही। फिर इसके ये बाहर जो डेड टिश्यूज होते हैं बार कहते हैं, अंदर कार कैम्बियम है,
और फिर एनुअल रिंग्स हैं ये। अच्छा, इसमें दो किस्म की वुड हो जाती है, जब वो कह लेंगे प्लांट ओल्ड होता जाता है, जो जो स्कैंडिनेवियन ज्यादा होते जाते हैं, तो जो बीच वाली वुड होती है ये अपना फंक्शन लूज कर देती है, क्योंकि ये ओल्ड हो जाती है, इसी तरह फंक्शन नहीं कर पाती, यानी कंडक्ट नहीं कर पाते, सो ये हार्डवुड हो जाती है। ठीक है, इसमें मोस्टली वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, या फिर लेटेक्स वगैरह, ठीक है, रेजिन्स वगैरह, या इस तरह के जो स्कीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम आए थे कैलस फॉर्मेशन पे। उसकी एग्जांपल में हमने कहा जी कि फॉर एग्जांपल जो वाउंड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ भरता जाता है, ठीक है, वाउंड हीलिंग होती है। इस तरह प्लांट्स के अंदर भी एक प्रोसेस है जिसके जरिए इसकी वाउंड, मसलन यहाँ पे हमने देखा प्लांट, इसकी ब्रांचेस कट की गई हैं, ठीक है, कुछ अर्से पहले, फिर ऐसा ऐसा वो जो कटेड एरिया था उसके ऊपर दोबारा कवरिंग सी बन गई है, ठीक है, इस कवरिंग को कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। से और इसके अंदर ज्यादातर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, और कैलस फॉर्मेशन जो सा है वो बडिंग में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ग्राफ्टिंग जो सी टेक्निक थी उसके अंदर भी कैलस फॉर्मेशन ही जो सा है वो इन दो ब्रांचेस को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। सो ये हो गया आज हमारा स्कैंडिक ग्रोथ के बारे में, और थोड़ा बहुत कैलस फॉर्मेशन, और फिर हमने देखा स्कैंडिक ग्रोथ होती किस तरह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर।